हरी और कुरकुरी सौंफ हम सभी मुखवास के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यही सौंफ सेहत के लिए भी खासी गुणकारी है। आइए जानते हैं इसके 17 फायदे जो सेहत के लिए अनमोल है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सौंफ के फायदे बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सौंफ में विटामिन सी की ज़बरदस्त मात्रा है और आवश्यक खनिज भी हैं, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, आयरन और पोटेशियम। अगर आप पेट की बीमारियों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हैं, तो आपको दर्द हो रहा है, मंडोड़ हो रहा है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर हो रहा है, तो आप सौंफ का सेवन अवश्य करें। ये पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है। सौंफ आपकी याददाश्त को बढ़ाती है। यदि अगर आप सौंफ अपने डाइट में शामिल करें ऑन द डेली बेसिस, तो सौंफ आपकी याददाश्त को भी बढ़ाती है। सौंफ का नियमित सेवन दृष्टि को तेज़ करता है। 5 से 6 ग्राम सौंफ रोज़ लेने से लिवर और आँखों की ज्योति ठीक रहती है। सिकी हुई सौंफ मिश्री के साथ खाने से आवाज़ तो मधुर होती ही होती है, साथ ही साथ खांसी भी भगाती है। तो यदि अगर आपको खांसी है तो सौंफ का सेवन अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, तो खाने के लगभग 30 मिनट बाद एक चम्मच सौंफ खा लें। सौंफ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। सूखी, रोस्टेड और कच्ची सौंफ को बराबर मात्रा में मिला लें। इसे खाने के बाद खाएं। इससे पाचन क्रिया बेहतर रहती है और आप हल्का महसूस करते हैं। अगर आप एक चम्मच सौंफ 2 कप पानी में उबाल लें और इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार लें, तो आपकी आंतें अच्छा महसूस करेंगी और आपका खांसी भी लापता हो जाएगा। सौंफ की पत्तियों में खांसी संबंधी परेशानी जैसे कि दमा व बाइक्रोनिट को दूर रखने की भी क्षमता होती है। सौंफ को अंजीर के साथ खाने से और खांसी भी आपकी दूर होती है। कफ और खांसी के इलाज के लिए सौंफ खाना काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। मासिक चक्र, महिलाओं में मासिक चक्र को नियमित बनाने के लिए सौंफ काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। अपचय संबंधी विकारों में सौंफ बेहद उपयोगी है। बिना तेल के तवे हुए पर सिकी हुई सौंफ और बिना सिकी सौंफ को मिलाकर लेने से अपचय के मामले बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। 2 कप पानी में उबली हुई 1 चम्मच सौंफ को 2 या 3 बार लेने से अपच और कफ की समस्या समाप्त होती है। अस्थमा के उपचार में भी सौंफ काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है। उसमें अस्थमा के उपचार में सौंफ कमाल की सहायक है। अगर आपको अस्थमा है तो सौंफ ज़रूर खाएं। गुड़ के साथ सौंफ खाने से पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म नियमित होता है और साथ ही साथ ये शिशुओं के पेट और उनके पेट के अफारे को भी दूर करने में उपयोगी होता है। 1 चम्मच सौंफ को 1 कप पानी में उबालने दें और 20 मिनट तक इसे ठंडा कर दें। इसे शिशु के कॉलिक का उपचार होने में मदद मिलती है। शिशु को 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा इसका घोल नहीं देना चाहिए। सौंफ के पाउडर को शक्कर के साथ बराबर मात्रा में लेने से हाथों और पैरों की जलन दूर होती है। भोजन के बाद 10 ग्राम सौंफ हमेशा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है सौंफ खाने के फायदे, सौंफ के फायदे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।